इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सरकार के निशाने पर, हम चुनाव में पैसे तक नहीं खर्च कर पा रहे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खड़गे बोले कांग्रेस के खातों को मोदी सरकार ने किया सीज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो हुआ वो बहुत चिंताजनक, बीजेपी को मिला 56% चंदा, वही कांग्रेस को केवल 11% चंदा। सोनिया गांधी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को बहुत गंभीर बताया, कहा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लोकतंत्र पर भी असर है। सोनिया गांधी बोली कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं मोदी, कांग्रेस के खातों को जबरन फ्रीज किया गया। राहुल गांधी बोले कांग्रेस के बैंक अकाउंट किए गए फ्रीज, किसी कोर्ट और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यहां कोई लोकतंत्र नहीं। राहुल गांधी का आरोप, चुनाव के 2 महीने पहले खाते सीज होने से हम नहीं कर पा रहे प्रचार, 20%, भारत ने हमें वोट दिया और हम 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते। शक्ति वाले बयान पर सवाल पर राहुल गांधी का जवाब, हमारी लड़ाई असुर शक्ति से हो रही है, नफरत से भरी है असुर शक्ति। बंदायू कांड के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने अरेस्ट किया, बरेली से गिरफ्तार किया गया जावेद, पुलिस ने 25,000 का घोषित किया था इनाम। बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था जावेद, रामदी थाने में सेटेलाइट बस स्टैंड पर लोगों ने पकड़ा, बाद में जावेद को पुलिस के हवाले किया। जावेद के शातिरपन पर नया खुलासा, पुलिस चौकी पहुंचने से पहले जावेद ने खुद को घायल किया, एनकाउंटर से बचने के लिए किया घायल। जावेद की गिरफ्तारी पर बोले एसएसपी, पुलिस के दबाव ने जावेद ने किया सरेंडर, गिरफ्तारी से पहले वायरल किया अपना वीडियो। आरोपी जावेद को बंदायू के उलझानी थाने में रखा गया, एसएसपी आलोक प्रियदर्शी खुद थाने में मौजूद, जावेद से चल रही थी पूछताछ। आयशा खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर की हैवानियत का खुलासा, बच्चों पर धारदार हथियार से कई बार, आयुष की गर्दन, सीने और हाथ पर कट के 12 निशान, आयुष की नसों तक में मिले चाकू के कट के निशान, गर्दन पर दाएं तरफ कट, दाएं शोल्डर ज्वाइंट पर भी कट, हाथों में भी लगे कई कट। आयशा खान की मां का बयान, कहा साजिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, जावेद से पता चलेगा असली वजह क्या थी। आयशा खान के पिता बोले जावेद से हत्या का मकसद पता चलेगा, साजिद जावेद के पीछे कोई तीसरा शख्स भी है जिसने बच्चों की हत्या कराई। आयशा खान के पिता की मांग, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जावेद एनकाउंटर में मारा गया तो सच नहीं पता चलेगा। बदायूं मर्डर केस में मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, 15 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बदायूं कांड पर मायावती की पोस्ट, 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या निंदनीय, दोषियों पर हो सकती कार्रवाई पर इसकी आय में राजनीति न हो। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत, ईडी को कोर्ट में जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का समय मिला। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले ईडी को पहले दिन से पूछताछ से कोई मतलब नहीं, गिरफ्तारी या ऐसे किसी एक्शन पर रोक लगाए कोर्ट। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं, ये बीजेपी का राजनीतिक हथियार है, केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा जांच एजेंसी के सामने पेश होकर केजरीवाल बताए सच्चाई, आखिर वो पेश नहीं होकर क्या छुपा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा बोले ईडी संबंध पर केजरीवाल का बर्ताव शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित कर रहा, तभी वो जांच से बच रहे। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बासु स्वराज ने बोला हमला, कहा पीएमएलए के एक्ट के तहत संबंध पर एजेंसी के सामने पेश होना जरूरी। झारखंड के रांची में 2 जगहों पर ईडी की रेड, पीएमएलए मामले में पुलिस एसआई मीरा सिंह के जुड़े ठिकानों पर तलाशी हुई। कोलकाता में टीएमसी नेता अरूप विश्वास के ठिकानों पर ईडी रेड जारी, कल से अरूप के भाई स्वरूप के ठिकानों पर भी तलाशी जारी। तमिलनाडु के पुदुकोटई में ईडी की बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी, पूर्व मंत्री एआईएडीएमके नेता सी विजय भास्कर के घर तलाशी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों पर की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार, याचिका खारिज की, पर इतनी तेज नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार से पूछे सवाल। बीजेपी ने विनय सहस्रबुद्धे को बनाया राजस्थान का चुनाव प्रभारी, विजया रहटाकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सतीश पुनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी का दायित्व, आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए अरुण सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह होंगे सह प्रभारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छोड़ी कांग्रेस, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। मुंबई से एमबीए की बैठक में विवादित सीटों पर चर्चा, सांगली वर्धा भिंडी और उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर एमबीए में विवाद। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया महाराष्ट्र में 18-19 सीट पर चर्चा हुई है, कम से कम 12 सीट फाइनल कर ली गई है। एमवीए पर डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा 2.5 महीने से सीट शेयरिंग पर नहीं कर सकते फैसला, हमने एक मीटिंग में ही 80% फैसले किए। बिहार की गया सीट पर अजय कुमार सरजीत को दिया टिकट, एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी से होगा मुकाबला। बिहार की जमुई सीट पर आरजेडी ने अर्चना रविदास को टिकट दिया, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान उतारेंगे अपना कैंडिडेट।
पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, पति पत्नी एक जगह चले गए, ये अच्छी बात, मुख्यधारा की राजनीति के लिए कांग्रेस में गए। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया प्रचार, भरपेट में लोगों से मुलाकात की। विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान की पहल, ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं से कर रहे बात, बिलासपुर एक्सप्रेस से भोपाल टू बसोदा की यात्रा। तमिलनाडु में AIADMK ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, पार्टी महासचिव ई पलानी सामी ने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया। कर्नाटक में बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा का पूर्व सीएम येदुरप्पा पर निशाना, कहा उनके बेटे बायजेंद्र ने दे और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, तब तक जारी रहेगा विरोध। झारखंड में ओबीसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने की संभावना, स्टेट यूनिट ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चंतरा, गोड्डा और गिरिडीह में 6 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू, राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने LED लगी चुनावी रथ को किया रवाना। मध्य प्रदेश के सीधी में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का कोई भी नेता 29 सीटों में से किसी पर लड़ने को तैयार नहीं है। मोहन यादव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस के नेता ने की पदयात्रा, जहां जहां वो गए पार्टी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा कांग्रेस का कोई नेता हरिद्वार से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का भागम भाग जारी, असम के करीमगंज में 1500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने मांगे वोट, गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया। दिल्ली के LGV के सक्सेना का सीएम केजरीवाल को पत्र, लिखा दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर होना अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय, धुंध में डूबा हुआ बहुत चर्चित दिल्ली मॉडल। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में नॉन कैडर अधिकारियों का किया ट्रांसफर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के कई DMK और SP हटाए गए। नागपुर और रामेश सीट पर EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निकाली गई नायब तरकीब, हर सीट से खड़े होंगे 400 उम्मीदवार, पहले दिन ही 70 लोगों ने लिए 113 नामांकन पत्र। अमेरिकी विदेश विभाग ने दिया चीन को कड़ा संदेश, कहा भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने उठाए थे सवाल। CJDY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं सहित अन्य लोगों को मिलेगी हर तरह की जानकारी। मणिपुर के तामेंगलांग जिले में स्थानीय लोगों की सहायता में जुटे असम राइफल्स के जवान, चर्च के लिए निर्माण के लिए रास्ता बनाने में सहयोग किया। नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, गौतम बुद्ध नगर से जिला जज से मांगी रिपोर्ट, घटना की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा गया। लखनऊ के इंटोजा में एक कार से 27 लाख से ज्यादा कैश बरामद, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नागपुर का रहने वाला कपिल आहूजा। जयपुर में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हुई, पति पत्नी उनके 3 बच्चों की मौत हुई। महाराष्ट्र के थाने में कबाई की दुकान में आग लगी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में वेलकम में गिरी इमारत की FSL जांच, ढही 2 मंजिला बिल्डिंग की कर रही है जांच, हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। माफिया आतिक की बीवी शाइस्ता और अशरफ की बीवी जैनब की तलाश में रात भर चला सर्च अभियान, प्रयागराज के इटावा में अपने घर में छिपे होने की मिली थी पुलिस को खबर। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन पर है 50,000 का इनाम, सर्च अभियान में नहीं मिली शाइस्ता और जैनब, कई अहम जानकारी मिलने का पुलिस का दावा। आतंकवादी संगठन ISIS का भारत में चीफ हरीस फारूकी गिरफ्तार, असम STF में धुबरी के धर्मशाला में बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। हारिस फारूकी के साथ उसका साथी रेहान भी गिरफ्तार, असम STF ने हारिस और रेहान को NIA के हवाले किया। यूपी के संभल में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, जकैती के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, पुलिस की गिरफ्त से भागा आरोपी। खुफिया जानकारी के बाद पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस की जवानी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर 5,000 रुपए का था इनाम, पुलिस कर रही बदमाश की तलाश, बदमाश के पास से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना से सुकमल सरदार और महबर मुला को गिरफ्तार किया, ईडी टीम पर हमला मामले में दोनों का कनेक्शन। राजस्थान के कोटा में लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की जांच, पुलिस के मुताबिक अपहरण की झूठी कहानी बनाई गई। यूपी के मैनपुरी से पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया, पुलिस ने तस्करों के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया। आगरा पुलिस को मिली कामयाबी, एनकाउंटर के बाद करके सरदार को किया गया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर के बिदनू में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगने से 1 बदमाश घायल, चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की थी फायरिंग।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता मराजू में 532 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख से ज्यादा। सांबा के खिदरी गांव में दिखा संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, डॉग स्क्वाड भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह सुबह दो बार आया भूकंप, सुबह 6:15 बजे के करीब दो बार धरती हिलने की दहशत में आए लोग, रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता। एक महीने के बाद खोला गया जॉर्जिला पास, ट्रायल के लिए खोला गया दर्रा, भारी बर्फबारी की वजह से जॉर्जिला पास में बट किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की अनदेखी पहल, 10 छात्रों को दी वाहन मैकेनिक कौशल की ट्रेनिंग, गाड़ियों की मरम्मत कर पा रहे सकेंगे रोजगार। जम्मू कश्मीर के पूंछ में ट्यूलिप गार्डन खोला गया, गार्डन में भारी संख्या में पहुंचे लोग, ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। तमिलनाडु के तिरुवूर शहर में बारिश, कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में होली के पहले खेली गई छड़ी मार होली, कई तरह की होली खेलने की परंपरा है। जबलपुर के विकलांग सेवा भारती संस्थान में दिव्यांग बच्चे बना रहे गुलाल, होली त्योहार से पहले कर रहे हैं हर्बल गुलाल। तमिलनाडु के तिरुवूर में त्यागराज मंदिर में आजी थेरुत्तम उत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चीन के ताइवान में फिर तनातनी, ताइवान के आसपास 32 चीनी युद्धक विमानों के होने का पता चला। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के राफे में सैन्य कार्रवाई पर जोर दिया, कहा राफे में आईडीएफ के प्रवेश के बिना पूर्ण जीत संभव नहीं। गाजा के देर अरबाला में इजरायली हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, इजरायली वायुसेना ने रिफ्यूजी कैंप पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने सबसे पहले नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, 9 बच्चे और 5 महिला सहित 19 लोगों की मौत हुई। इजरायली वायुसेना ने बुज्जी कैंप को भी टारगेट किया, बमबारी में 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हुई। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 31,819 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। गाजा के मुवासी रिफ्यूजी कैंप में इफ्तार के मौके पर बांटा जा रहा खाना, शरणार्थी खाने के लिए लगा रहे हैं लंबी कतारें। रमजान के महीने में भी गाजा पर इजरायली हमला जारी, इजरायली बॉर्डर से लगातार रिहायशी इलाकों पर दागे जा रहे हैं गोले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई का दावा, गाजा में घुसकर दर्द में फंस गया इजरायल और वो गाजा में रहे या जाए उसकी हार तय है। आयतुल्ला अली खमेनेई के मुताबिक में इजरायल फैसला करने में नाकाम और यही अनिश्चितता उसे टूट के करीब ले जाएगी। यूक्रेन के खारकीव पर रूस का मिसाइल अटैक, एक नागरिक की मौत जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। रूस मिसाइल ने एक इंडस्ट्रियल इमारत को टारगेट किया, देखते देखते इमारत का काफी बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मार्च से लोगों को निकाला, 2000 स्क्वायर मीटर का इलाका खाक हुआ। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो बने देश के नए राष्ट्रपति, 58% से ज्यादा वोट के साथ तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता संभाली।